बहराइच गणतंत्र दिवस में एक दिन पहले विकास भवन परिसर में धमाका हुआ। लगातार दो बमों के फूटने से अफरा तफरी मच गई। ये धमाका सूतली बम के फूटने से हुआ, जिसमें शीशा और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। सफाई करने के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विस्फोट के अवशेष जब्त किए हैं। सुबह सफाई करने वाले कर्मचारी ने जो कूड़ा इकट्ठा कर रखा था झाड़ू लगाते समय, उस कूड़े को लेके जा रहा था डिस्पोज ऑफ करने, उसे फेंकने। उस कूड़े के टुकड़े में दो छोटे छोटे पटाखा टाइप की आइटम उसके पास थे, जिसमें से दोनों ही उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गए और जिससे वो दोनों फट गए। जो ये फटे वो निश्चित रूप से पटाखा थे, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ से छूट के वो पटाखा उसके पैरों के पास गिरा और पैरों में मामूली खरोच भी नहीं है। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो इन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा की जो कूड़े में पाई जाती हैं। उसमें वो पटाखे के जो कागज़ थे, जो धागा था, ये सारी भी चीज़ें थीं। इसके अलावा कूड़े में इकट्ठा किया हुआ खरपतवार, शीशे के टुकड़े, ये भी चीज़ें मिली हैं। लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में अब तक निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि बम के अंदर शीशे का कोई स्प्लिंट नहीं था, क्योंकि अगर वो पटाखा बम था या बम जैसी कोई चीज़ थी और उसमें शीशे का टुकड़ा या स्प्लिंट होता तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को चोट लगती। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के हाथ से छूट के पैर के पास गिरा है, कहीं कोई चोट नहीं है। इससे ये एकदम स्पष्ट है कि ये दीपावली में चलाने वाला पटाखा है या जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पटाखा है। सर, मौके पर पहुंची ये बम जो दीपावली में चलाते हैं बच्चे, उसको भी बम कहा जाता है। बच्चे कहते हैं कि हमें बम फोड़ना है। बम से तात्पर्य ये नहीं है कि एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव हो या इस किस्म का एक्सप्लोसिव हो जिससे कि व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती हो, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात इस बम की है, इसमें भी एक्सप्लोसिव था। ये लो एक्सप्लोसिव कहा जाता है, ये कम तीव्रता के साथ फटता है और ये आवाज़ करने के लिए, केवल ध्वनि पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस किस्म का ये आइटम था। अब जो शीशा उन्होंने बरामद किया है, वो निश्चित रूप से जो कूड़ा झाड़ के इकट्ठा किया था उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने, उस कूड़े में गिलास के टूटे हुए टुकड़े या इस टाइप की कोई चीज़ें थी जो शीशे के रूप में उन्होंने इकट्ठा की, क्योंकि कूड़ा पूरा बिखर गया था और वो सारी चीज़ें हमारी पुलिस ने इकट्ठा कर ली। क्योंकि क्या नाम है, विकास भवन में जहाँ पर मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों का, विकास भवन एक कार्यस्थल है। कार्यस्थल पे किसी प्रकार का घरेलू आइटम लाना या पटाखा लाना या बम लाना या दीपावली में फोड़े जाने वाले बम लाना, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित होनी चाहिए। जो भी कर्मचारी ऐसा किया है वो दोषी है। हम उसका पता लगाएंगे, उसकी जांच करेंगे। कर्मचारी द्वारा लाया गया है या पब्लिक द्वारा लाया गया है या किसके द्वारा लाया गया है, यह अभी विवेचना का विषय है। हम अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे।